Cheers. अबे तू कम से कम आज तो एक ड्रिंक ले ले यार, कब तक ये वर्जिन मोहितो से काम चलाएगा? Dude, no alcohol is a strict rule for me. और वैसे भी मेरी लाइफ का फंड है ना, क्लियर है, दूसरों के बनाए रूल्स तोड़ता हूँ लेकिन अपने रूल्स कभी नहीं. और ये ड्रिंक ट्राई करके तो देख, अलग ही मजा है इसका. No thanks. Okay. तुम लोग क्या ही दूसरे को अपनी ड्रिंक्स ट्राई कराने में लगे हो? Just relax and enjoy. स्नेहा देखना यार, ये मिस्टर दीनानाथ चौहान ना अपनी रूल बुक झाड़ रहा है मेरे स्कॉच में. तो बॉस कम से कम आज तो एक ड्रिंक बनती है ना. एंड गाइस आफ्टर ऑल हमारी टीम ने इतना बड़ा अकाउंट क्लोज किया है. Cheers to that. So goes for a celebration, no? Cheers. Stop forcing him. You know he never drinks, right? I am so sorry, स्नेहा. एक्चुअली मैं ना भूल गया था कि मैंने किससे सिफारिश करवा दी. आदि की चमची. What? I'm not his chamchi, chamcha, whatever. Shut up. Hi. I hope you guys are having fun. Yes, we are. Is there anything the staff can do for you? Please, don't hesitate. Excuse me, you are? Siddharth Raizada, and I own this place. Oh, wow. Hi, sir. Very pleased to meet you. My name is Manu. Hi, Manu. That's Adi. Hello. Hi, Adi. This is Sneha. Hi, Sneha. Hey, hi, Tukul. Shut up. Hi, iski taraf se. Okay, guys. You enjoy rest of the night. Bye. Yaar, kitna cool banda hai na. Cool. Cool. Not at all. He was damn creepy. Did you even look at the way he was staring at me? तुम लोग ये क्या फालतू की बातें लेके बैठ गए हो? Guys, we're here to party, okay? Chill मारो. बेटो, चार मोड़ रहे. अरे की तो आने दे भाई. Anyways, I'll just be back. What up? Nature's call, man. जाऊँ? हाँ हाँ जा जा. Where have you been? I've been trying to call you. अरे that girl यार. Which girl? लड़की. एक लड़की थी यहाँ पर यार. Guys, 2 minutes. I'll just be back. आदि. अरे 2 minutes. अबे अबे सुन ना. ये अचानक कहाँ चली गई? लोटस रिटेल का लोगो हो गया क्या? आदि, आदित्य, डन विद लोगो? कौन सा लोगो? आर यू किडिंग मी? वेर यू लॉस्ट? लोटस रिटेल आदि? या वो मैं कल तक दे दूंगा.
कल तक। कल हमारी क्लाइंट के साथ मीटिंग है आदित्य, और तुम्हें क्या हो गया है? कभी भी तुम डेडलाइन भूलते हैं, स्किप नहीं करते। डोंट वरी, मैं आज भी अपनी डेडलाइन मिस नहीं करूंगा। कल मीटिंग से पहले तुम्हें तुम्हारा लोगो मिल जाएगा। अब चलें, आई नीड माय रिफ्रेशमेंट। क्या बात है मेरे शेर, आज वर्जिन मोहितो पीने के लिए इतनी एक्साइटमेंट पहले तो कभी नहीं हुई। या फिर इज इट अबाउट द गर्ल दैट यू सॉ लास्ट नाइट? वन सेकंड, व्हिच गर्ल? कोई नहीं, ये इसका जो दिमाग है ना, डस्टबिन बन गया। ओए, थोड़ा कचरा साफ कर। ओके, चल लीव हिम, लेट्स गो। अरे मैं भी तो चल रहा हूँ। तो चलना फिर। या ओके, लेट मी प्लीज गो गेट माय बैग। ए आदि, मैंने तुझ जैसा पागल इंसान पहले नहीं देखा। अरे तू क्या अपनी फिल्मी लव स्टोरी ढूंढ रहा है? व्हाट इज दिस मैजिकल फीलिंग्स, वाइब्स, कनेक्शंस, क्या है ये सब? जस्ट लुक एट स्नेहा, यू नो हाउ मच शी लव्स यू, और तू है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता। एंड डोंट ट्रस्ट मी, तू अपने फैंटेसी वर्ल्ड के चक्कर में ना एक बहुत खूबसूरत रियलिटी है जिसको मिस आउट कर। हो गया तेरा ज्ञान, अब चुपचाप अपने लैपटॉप को बैग में डाल। आई नो स्नेहा केयर्स फॉर मी, जस्ट एज अ फ्रेंड डियर, देयर इज नथिंग मोर। चले टेल मी, क्या कहना चाहती थी तुम? ओया, ये तुम्हारा स्कार्फ, कल यहाँ गिरा कर चली गई थी तुम। थैंक यू सो मच, इसे मैं कब से ढूंढ रही थी। वैसे इफ यू वांट वी कुड गो बैक इनसाइड। यहीं पर ठीक है ना? वैसे भी अंदर के शोर में मैं तुम्हें कहाँ सुन पाऊंगी। आई एम ग्लैड। बाय द वे, कुड आई आस्क यू समथिंग? अंदर तुमने ये क्यों कहा दैट सिद्धार्थ एंड यू स्टिल हैव अ कनेक्शन? कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती। हो सकता है तुम समझाना नहीं चाहती। अब आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू क्रॉस द लाइन। इट्स ओके, वैसे भी बहुत टाइम हो गया मुझे किसी से ढंग से बात करे हुए। सो इन दैट केस, कुड आई ask you out for a coffee or maybe a drink? Coffee peena main pasand karti nahi, aur alcohol meri preference nahi hai. But hey, I can have a virgin mojito. I'm so glad that I found somebody as odd as me. Main bhi drink nahi karta, but I love virgin mojito. So I'll pick you up at 8 tomorrow, huh? Where do you stay? I live in Bandra, but you can't pick me up from my house. Meri mummy papa 10 sawal karenge. So, pick me up from Carmel Church. Wait, 8 o'clock it is. Your number. Lao, main dal deti hu. You sure na store kar rahi ho number? Tum bewakoof to nahi bana rahi? Ab wo to tumhe kal hi pata chalega.
राधा, तुम ये अचानक कहाँ से आई हैं? बस तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई. मैजिक. It indeed is magic. And you look really nice, huh? This color suits you. Thank you so much. लेकिन अब चली? लेकिन ये तो बताओ चलना का, I mean, you wanna go to a cafe, a lounge, a club, a restaurant? Beach चली? Beach? Yeah. Actually, वो मैंने सोचा नहीं था, but beach sounds fun, yeah? चलो. I know, right? That's it. Adi, I mean Aditya. Chill, you can call me Adi. Okay, so Adi, can I ask you a question? Hmm? Do you believe in life after death? You mean wo incarnation wagera? Nahin, not exactly. Mera matlab hai, atma aur sharir ke alag ho jane ke baad ki kahani. I don't know. Kabhi socha nahi is bare mein. Aur waise bhi ye atma vatma na ye बहुत ही मेड अप लगता है. तुम क्यों पूछ रही हो मुझसे ये सब? बस यूं ही. मैं सोच रही थी कि आदमी के मरने के बाद भी अगर उसकी आत्मा यहीं धरती पर रहती हो तो. यू मीन वो बदले की प्यास में भटकती हुई आत्मा? हाँ, कुछ ऐसा ही. ऑनेस्टली बोलूं तो ये सब बातें या तो फिल्मों में देखी हैं या फिर कहानियों में सुनी हैं. आई मीन हो भी सकता है और नहीं भी. बाय द वे, हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? यू वांट टू वॉच अ हॉरर फिल्म? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया. तो टॉपिक चेंज करें. एक सीरियस क्वेश्चन का सीरियस जवाब देना. यू स्टिल लाइक सिद्धार्थ? नॉट एट ऑल. आई सी. तो फिर किसी और के लिए जगह है? किसी और के लिए आदि? आई मीन इजंट इट एविडेंट? आई रियली लाइक यू जैनेट, और ये बात मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता. और ओके, तुम मुझे बहुत बहुत सुंदर लगती हो. सुंदर मतलब कि तुम मुझे सिर्फ मेरे लुक्स के लिए पसंद करती हो? हे, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आई मीन ये वाइब, ये कनेक्शन जो मैं तुम्हारे साथ फील करता हूँ, किसी के साथ भी फील नहीं किया. यू नो, 4 साल पहले ना मैंने एक बाइक का डिजाइन बनाया था. इट वॉज फॉर अ लीडिंग मोटर बाइक कंपनी. वाओ, इतनी नर्वसनेस तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जितनी तुम्हारे सामने हो रही है. यू नो, ये बात मैंने तुम्ही से सीखी है कि अगर मन में कोई बात हो तो वो बोल देनी चाहिए, वरना खामा खा मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, और मैं किसी बेचैनी के साथ जीना नहीं चाहता. यू नो आदि, सच कहूँ तो सिद्धार्थ के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरा प्यार पर से विश्वास ही उठ गया है. मुझे ये भी नहीं लगता था कि मुझे ये फीलिंग्स किसी और के लिए महसूस होंगी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि व्हाट वी हैव इज अ स्पेशल कनेक्शन. हमारे बीच कुछ है, यू नो.
इट्स नाइस। सॉरी। थैंक यू। के भी पास आ सकता था लेकिन आया मेरे पास ना। जब से तुमसे मिला हूं होश उड़ गए हैं मेरे। क्यों? क्योंकि इट वॉज डेस्टिंड। ये सब लिखा हुआ था, हमारा मिलना, हमारी बातें, ये बिन मौसम बारिश, ये सब लिखा हुआ था। और जब ये सब लिखा हुआ था तो तुम इसे बदलने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये ठीक नहीं है आदि। I love you Jana, I really do। तुम्हें पता है मैंने पूरी जिंदगी इस फीलिंग का इंतजार किया है एंड आई फील इट नाउ। इट्स मैजिकल। देखो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और सिद्धार्थ के बीच में ऐसा क्या हुआ है जिसे तुम्हारा प्यार से दिल उठ गया। बट आई प्रॉमिस यू वन थिंग, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मेरी बात तुम्हारे दिल तक पहुंच के रहेगी। इसी बात का तो डर था आदि, ये प्यार नहीं हो सकता, मैं प्यार नहीं कर सकती, ये गलत है। जानेट, प्यार कभी गलत नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है ना। और उस दिन तुमने भी एडमिट किया था दैट यू लव मी, देन व्हाई यू होल्डिंग योरसेल्फ बैक? देखो मैं सिद्धार्थ की तरह तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। जानेट, 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 आर यू देयर? चली गई यार। जानेट, द नंबर यू आर कॉलिंग डज नॉट एग्जिस्ट।
number you are calling does not exist. जाने कैसे टूटे रिश्तों से बिखरे है ये पल, क्यों अधूरी ये कहानी, क्यों अधूरा ये फसाना, क्यों लकीरों में इसके अलविदा। मैंगो ड्रिंक वाले प्रोजेक्ट का डिजाइन फाइनलाइज हो गया? जनाब किसी से बात नहीं करते, ये सब का टाइम नहीं है हमारे पास, 3 घंटे में मीटिंग है क्लाइंट के साथ। अरे यार उसकी गर्लफ्रेंड मिसिंग है, तुझे मीटिंग की पड़ी है। गर्लफ्रेंड? हाँ। कौन सी गर्लफ्रेंड? आदि वेयर आर यू लॉस्ट? प्लीज लेट्स गेट अप, आई एम नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर, कम ऑन प्लीज, नॉट नाउ, अभी मूड नहीं है मेरा। ओके उसका फोन नहीं लग रहा और तुम्हें उसका एड्रेस भी नहीं पता। रोज को तुम्हारे बारे में पता तो था ना, आई मीन शी न्यू ना दैट यू गाइस आर डेटिंग एंड स्टफ, या फिर वो इसको सिर्फ एक कैजुअल टाइम पास की तरह ले रही है। मनु, अरे मैं तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी सजेस्ट कर रहा हूँ यार। वैसे पॉइंट है तेरी बात में, लेकिन आजकल ऐसे ही तो होता है, कैजुअल रिलेशनशिप्स, पास टाइम स्टफ, यू नो पीपल जस्ट बिलीव इन दैट एंड देन टाटा बाय बाय। करेक्ट, आई नो जानेट, शी इज नॉट लाइक दैट। आई एम श्योर कुछ बहुत ही सीरियस हुआ इसलिए वो अचानक गायब हो गई। वो तो टेंशन मत ले, हम उसको ढूंढ लें, राइट स्नेहा? वो ढूंढेंगे कैसे? आई डोंट नो वेयर शी स्टेज, ना उसका फोन लग रहा है, ना मैसेजेस डिलीवर हो रहे, उसके फ्रेंड्स को भी नहीं जानता यार। देन हाउ? ओके वन मिनट, तुम उसे बैंड्रा में कहाँ ड्रॉप करते थे? कामल चर्च। वो चर्च में रहती थी क्या? So fascinating ना, चर्च, ब्यूटीफुल लेडी, ग्रेवयार्ड। प्लीज यार, वो चाहती थी कि उसके पेरेंट्स को शक ना, और कामल चर्च उसके घर के पास है, तो बस इसके वहीं से पिकअप करता था, वहीं ड्रॉप करता था, दैट्स ऑल। स्नेहा, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज सेइंग? या एक मिनट, एक काम करते हैं, कामल चर्च के आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहां जाके हम डिसिल्वा मैन के घर का पता पूछ लेते हैं, किसी को तो पता होगा। सो इंटेलिजेंट शी इज नाउ। भाई साहब, इस एरिया में कोई डिसिल्वा फैमिली रहती है क्या? डिसिल्वा? जी सब, यहाँ से दूसरा बंगला, उसके अगला बंगला जो है डिसिल्वा फैमिली रहती है वहाँ पर। अरे चलो, तुम कहाँ क्यों नहीं रहे हो? भूख नहीं है। अभी भूख की नहीं, तुम्हें एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, पूरे 7 बिल्डिंग्स बाकी हैं। हाँ यार, और जिस हिसाब से उस इलाके में डिसिल्वा भरे पड़े हैं ना, तो 7 के भी 70 लगेंगे। और यार एक बात बता, इतनी जानते से ये हाइड एंड सीक क्यों खेलती है? कभी आई स्पाइस, कभी धप्पा। हेलो मैम, किसको मिलना है? आंटी वो जैनेट से मिलना था। जैनेट? किधर है मेरा जैनेट? हाँ, किधर है? तूने छुपाया ना मेरे जैनेट को? हाँ, बता कहाँ रखा है उसको? आंटी प्लीज। हाँ,
मैं तेरे को मार डालूंगी। तूने मेरे जेनिट को मुझसे दूर किया है। मारता लीव है, आंटी लीव है, मारती लीव है, मारता लो, दो मारता लो, कम इनसाइड, जस्ट कम इनसाइड। इसने जेनिट का नाम लिया है। मैं इसे मार डालूंगी। सन, आई एम रियली सॉरी। 3 साल हो गए जैनेट को मिसिंग हुए और मार्था का ब्रेन कंडीशन इज नॉट प्रॉपर। जैनेट वॉज आवर ओनली चाइल्ड। मार्था कुडंट हैंडल हर सडन डिसअपीयरेंस। जब भी किसी का लिप्स पे जैनेट का नाम आता है ना, शी जस्ट लूजेस अ कंट्रोल। मार्था के इस बिहेवियर के वास्ते हम तुमको सॉरी बोलते हैं मैन। इट्स ओके सर, आई टोटली अंडरस्टैंड। आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमने हमारा जैनेट को बहुत ढूंढा। पुलिस ने भी जैनेट को ढूंढने का बहुत कोशिश किया मगर वो आज तक नहीं मिला। जैनेट वॉज आवर ओनली चाइल्ड। वो हमको बहुत लव करता था। मार्था नहीं मानती मगर मैं जानता हूँ कि जैनेट अब इस दुनिया में नहीं। अगर वो गई होती ना तो भागकर हमारे पास आ जाती। अंकल दैट्स नॉट पॉसिबल। जैनेट जिंदा है। इनफैक्ट पिछले 3 हफ्ते से हम डेली मिल रहे हैं। वो तो किसी वजह से उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी और इसलिए मैं उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गया हूँ। फर्स्ट टाइम उसको तुम किधर मिला था? वो वेलवेट लॉन्च पाली हिल पर जो है। वेलवेट लॉन्च? 3 साल पहले जैनेट वेलवेट लॉन्च ही गया था। हमको बोलकर गया कि डैडी हमको आने के लिए बहुत देरी होगा लेकिन हमको मालूम नहीं था कि देरी इतना होगा। उस रात के बाद जैनेट को किसी ने नहीं देखा। अंकल मैं आपसे बोल रहा हूँ इट्स नॉट पॉसिबल। हम लोग डेली मिल रहे हैं। इनफैक्ट जैनेट इज माई गर्लफ्रेंड। ये डेटिंग आपको बिलीव नहीं होता तो ये देखिए मैं आपको सारे मैसेजेस और कॉल्स दिखाता हूँ। एक सेकंड। अंकल आई डोंट नो हाउ इज इट पॉसिबल। जैनेट के सारे कॉल्स और मैसेजेस सब डिलीटेड है। रिलैक्स सन, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। और भी लोग आ चुके हैं और मेरे को सेम स्टोरी बोल चुका है। वो लोग भी पहले जैनेट को वेलवेट लॉन्च में ही मिला था। लगता है उसका सोल आज भी वेलवेट लॉन्च में भटक रहा है। पता नहीं उसको पीस कब मिलेगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है यार। आई मीन मैंने देखा है उसे, बातें की हैं उसके साथ, अरे छुआ है, महसूस किया है उसे। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो जैनेट नहीं बल्कि जैनेट की आत्मा है। हाउ इज इट पॉसिबल यार। गाइस मैं पागल नहीं हूं, मेरी बात का भरोसा करो यार। आई इवन हैड हर कॉल्स एंड मैसेजेस ऑन माई फोन। पता नहीं डिलीट कैसे हो गए। आदि जस्ट रिलैक्स, तुम बोल रहे हो तो हम मान रहे हैं ना इस बात को। देख यार आदि, हमको पता है कि तुझे ये बात डाइजेस्ट करने के लिए बहुत टाइम लगे बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार अब हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। जिसको उसके पेरेंट्स ने ढूंढा उसको हम कैसे ढूंढेंगे? नहीं ब्रो, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। दिस इज नॉट डन। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। Listen, Adi, you have to understand what I'm saying. अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। हाँ बट
समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें। वहीं से जहाँ से कहानी 3 साल पहले शुरू हुई थी। क्या? वेलवेट लाउंज, वहीं से 3 साल पहले गायब हुई थी ना वो। तो हम उसके रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, कुछ ना कुछ क्लू हम श्योर जरूर मिलेगा। आई थिंक यू आर राइट, लेट्स डू दैट, लेट्स चेक ऑनलाइन, लेट्स जस्ट डू इट। या वेलवेट लाउंज, आई रिमेम्बर दिस गेस्ट, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ रायजादा, जैनेट का एक्स बॉयफ्रेंड। आई रिमेम्बर जैनेट ना अपने ब्रेकअप को लेके बहुत अपसेट थी, दे एंडेड ऑन अ वेरी बैड नोट। सो यू मीन कि जैनेट के गायब होने में सिद्धार्थ इन्वॉल्व है? इजंट ही द ओनर ऑफ वेलवेट लाउंज? या द सेम गाय। गाइस, फाउंड समथिंग, रीड दिस आर्टिकल। 24 साल की जैनेट डिसिल्वा की गुमशुदगी का कारण वेलवेट लाउंज के मालिक सिद्धार्थ रायजादा की होने की संभावना। वहीं सिद्धार्थ का अपनी सफाई में कहना है कि जैनेट के गायब होने से 1 हफ्ता पहले ही वो ब्रेकअप कर चुके थे। पुलिस ने लाउंज और घर दोनों में तलाशी की, लेकिन जैनेट का नामो निशान नहीं है। पुलिस ने तो क्लीन चिट दे दी यार इसे। व्हाट इफ ही इज इन्वॉल्वड? यार मुझे तो अभी भी पूरा शक है इस आदमी। एंड गाइस, डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम वी मेट हिम? तुम लोगों ने इसको देख के कैसी शक्ल बनाई थी? इन्वेस्टिगेशन में तो उसको क्लीन चिट मिल चुकी है, और अब सच हमें ये झूठा आदमी ही बताएगा। मतलब? We have to go speak to him. जुबान से जितना भी झूठ बोल ले, उसकी शक्ल से साफ दिख जाएगा। क्या मेरी 3 ड्रिंक्स खत्म हो चुकी है? ये इंसान आएगा भी या नहीं आएगा? उसने एक बात बता, हम इस इडियट के क्लब का प्रॉफिट क्यों बढ़ा रहे हैं? अदी चल Guys, come on, चलो, let's go. Wait ना, रुक जा। तो थोड़ा relax ना, कभी भी कुछ भी बोलना शुरू हो जाता है। He generally comes around at this time, आ जाएगा। यार अभी तक तो नहीं आया है, कब आएगा? Hi. Dude, there he is. How are you? मैं काम करता हूँ, उससे बात करके आता हूँ। सुन, तू अकेले क्यों जाएगा बे? हम है ना तेरे साथ। और वैसे भी ना बहुत डेंजरस आदमी, पता नहीं कब किसको कहाँ से गायब कर। I have a better plan. मैं उससे बात करके आता हूँ, तुम लोग यहीं रखो। And in case I don't come in 20, just call the cops. Just Nandi, no, we are coming with you. Sneha, chal. Adi! Oh, hi. Hi, Siddharth. Hi. I needed to talk to you. Could we go out? Yeah, yeah, sure. Come with me. Yeah. So tell me, Adi, ऐसी कौन सी एजेंसी थी जो तुम मुझसे यहाँ बाहर अकेले में मिलना चाहते थे? मिस्टर रायजादा, मेरी एक फ्रेंड है जो गायब हो गई है, और क्या है ना, वो आपके क्लब काफी रेगुलरली आती थी, और वैसे भी आप तो पर्सनली अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सो आई थिंक यू नो हर। कुड यू प्लीज हेल्प मी इन फाइंडिंग हर? या श्योर, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। आपके उस फ्रेंड का नाम क्या था? जैनेट डिसिल्वा। मैं किसी जैनेट डिसिल्वा को नहीं जानता। यू मे लीव नाउ प्लीज, आई हैव सम वर्क। झूठ बार बार बोलने से वो सच नहीं बन जाता। तुम नहीं जानते जैनेट डिसिल्वा को? लेट मी रिमाइंड यू, एक टाइम पर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती थी, राइट? तुम यहाँ से जाते हो कि मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर फिकवा दूँ? 3 साल हो गए हैं जैनेट को घर आए हुए, उसकी मॉम पागल हो गई है, और डैड उसे तलाशते तलाशते हताश। बता कहाँ है जैनेट? हाँ बोल, क्या किया तूने जैनेट के साथ? बोल मेरी जैनेट कहाँ है? तू मुझे जानता नहीं है, चुपचाप यहां से चला जा, इसी में तेरी भलाई है, समझा? जैनेट, प्लीज प्लीज एक बार वापस आ जाओ ना, बस एक बार प्लीज। आदि, जैनेट कहाँ चली गई थी तुम? आदि, चलो मेरे साथ। जैनेट, जैनेट का, जैनेट फिर कहाँ चली गई हो तुम? जैनेट, आदि, जैनेट,
कौन सी जगह ये, हाँ कहाँ लेकर आ गई हो तुम मुझे? और तुम ये लुक्का छुपी का गेम क्यों खेल रही हो मेरे साथ? अनेक मैंने ऐसा क्या किया कि तुम अचानक से गायब हो गए? और मेरी छोड़, तुम्हारे घर वाले कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे? चलो चलो मेरे साथ, चलो चलो। सारे सवाल है ना तुम्हारे आदि, लेकिन तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब यहीं मिलेंगे, इसी जगह, यहाँ इस बेसमेंट में। तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? हाँ अगर मुझे कुछ बताना है तो सीधे सीधे बोलो ना, क्या बात है? ये सब मेरा वहम है? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, चीजें इमेजिन कर रहा हूँ? अरे बोलो ना, हमने जो भी टाइम साथ में स्पेंड किया वो सब एक कल्पना थी, सब झूठ था? नहीं आदि, तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल सच्चा था। वो प्यार, वो जज्बात जो हम दोनों ने एक दूसरे के लिए महसूस करे, तुम ही बताओ मुझे भला झूठ कैसे हो सकते हैं? तुम पागल नहीं हो, मैं सचमुच हूँ तुम्हारे सामने, बस मैं जिंदा नहीं हूँ और यही मेरी हकीकत है। कितनी अजीब बात है ना आदि, तक मैं जिंदा थी तब मैं सच्चे प्यार को तरसती रहती थी, और आज जब मैं मर चुकी हूँ तब वही सच्चा प्यार मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। आदि मैंने सुना था कि प्यार में लोग अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने ये जाना है कि प्यार एक मरे हुए इंसान के दिल में भी जीने की चाह भर सकता है। मैं तुमसे चलो सर। आदि, अब जो जैनेट के साथ हुआ उसे वो डिजर्व तो नहीं करती थी, और हम उसे बदल भी तो नहीं सकते, पर तुमने उसके कातिल को जेल तो भेज दिया ना, एंड आई एम वेरी श्योर शी विल रेस्ट इन पीस आफ्टर दिस। आई डोंट नो यार, आई मीन आई विश बस एक बार उससे मिल पाता, एक गुड बाय बोल पाता एटलीस्ट। आदि देख यार, कुछ टाइम के लिए सही, पर तुझे अपना मैजिक मिला तो ना, एंड वी नो यार दैट यू वोंट बी एबल टू गेट ओवर इट टू सून, पर हम दोनों हैं ना तेरे पास, एंड लिसन, जैनेट इज विद यू, शी इज राइट हियर। गाइस बैक टू जुहू, या ग्रुप हग, यस। I love you so much. I miss you, Janet.
ਵਾਲਾ ਚਾਂਦ ਦੇਖਿਆ ਨੂਰਾ ਵਾਲੇ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁਝੇ ਇਸ਼ਕ ਇਹ ਕਰਨੇ ਸੇ ਅਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਓ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ ਦਿਲ ਹਾਰਿਆ ਓ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ ਦਿਲ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰਾ ਤੁਝਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰਾ ਤੁਝਤੇ क्या किया चैन मेरा लिया बेपना इश्क से वास्ता हो गया तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है नाम तेरा ही लब पे मेरे प्यार तूने